क्योंकि इतना ऊपर है और सेफ्टी इतनी कोई खास नहीं है, ठीक है, डर बहुत लग रहा है। ये रही मेरी सामने बोट, अल्लाह खैर करेगा, लहर मारे इसमें ये कतरा है, पानी के नीचे भी गिर सकते हैं, मोबाइल भी जा सकती है, अल्लाह खैर करेगा भाई। सो गाइस आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बच के आ गया है। आप अगर यहाँ पर आए तो मोबाइल ऊपर नहीं लेके जानी आपको, क्योंकि ये शमशेर गया है हमारा साथी, मोबाइल आपको नहीं लेकर जानी ऊपर, क्योंकि मोबाइल अगर आप ऊपर लेकर गए तो आप डूब भी सकते हो। कैसा था भाई ऊपर? भाई इधर जो जिसे जा रहे हैं ना ऐसा गुनाह याद आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यार आज हमारा है यहाँ पे तीसरा दिन, ठीक है, आज है मेरा ये तीसरा व्लॉग यहाँ पे। तो अभी हम उठे हैं नींद से, आप नींद देख कर समझ गए होंगे क्योंकि बरसात हो रही थी, मजे खाली हुई, ये देखने आए हम बाहर। इसने बेचारे ने तो मुंह भी नहीं धोया ना अभी, थोड़ी बहुत नींद में टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम हुआ है सुबह के फोकस कर भाई 9:45 हो रहे, ठीक है। और अभी हम जाएंगे यहाँ पर अच्छी जगह, अच्छी और जगह भी जाएंगे। मूड हमारा था अम्ब्रेला बीच, अम्ब्रेला वाटरफॉल पर, मगर वहाँ पे एक इश्यू हो गया, अभी बरसात हुई है ना तो वहाँ पे पानी पानी गंदा हो जाता है, पहाड़ों की मिट्टी वगैरह सब लेकर आता है साथ। अगर बरसात जल्दी रुक गई तो वहाँ जाएंगे, वरना किसी और अच्छी जगह पे जाएंगे हम ना, और खानपुर डैम जाएंगे। समझ गया, या एक और डैम में वहाँ जाएंगे। तू पहले मुंह धो लो फिर बात करो। पानी इतना ही जा रहा है। सो गाइस फाइनली बरसात कुछ कम हुई है और हम बरसात का मजा लेने के लिए बाहर निकले हैं घर से। और बरसात अभी भी काफी सारी हो रही है, मगर यहाँ पे इतनी बरसात हुई फिर भी पानी जमा नहीं हुआ, तरीके से जा रहा है। अगर हमारे यहाँ बरसात हुई होती तो शमशेर क्या असर होता? सिंधु दरिया बन जाता। एक दिन नहीं चलता वहाँ, दो तीन दिन वही दरिया बना रहता। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता वगैरह करेंगे आगे, और इसके बाद हमें जाना है खानपुर डैम। इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत सी राइड वगैरह है, वो करेंगे और एंजॉय लेंगे। यहाँ से इतने दूर नहीं है, हमें तो फुल क्लियर नजर आ रहे हैं, मैं शायद कैमरा में इतना फोकस नहीं कर रहा हूं। जो हम देख रहे हैं ना वो कैमरा कैप्चर नहीं कर रही, ये बात है, ये बात है। अच्छा तो गाइस फाइनली हम घर से तो निकल आए, अभी हम जा रहे हैं खानपुर डैम पे। हमारा प्रोग्राम कहीं और था, मगर वहाँ पे बरसात की वजह से नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत होता है बरसात जब होती है। तो अभी हम यहाँ आए, रास्ते में हमें एक व्यू पॉइंट नजर आई, यहाँ पे रुका, सोचा आपसे भी शेयर कर लेंगे। भाई हम जा रहे हैं खानपुर डैम, और कल हमें ताज़ा ताज़ा चालान लगा, इसलिए हम हेलमेट पहना हुआ आ जाते हैं। हाँ कानून पे हमने अमल किया, क्योंकि हर रोज रोज कौन चालान भरे भाई, यहाँ का चालान भी महंगा 1,000 रुपये। और आगे का आप व्यू देखो, ये आप पहाड़ देख रहे हो सामने वाले, ठीक है, इनके बीच में डैम है। इंशाल्लाह मजा आएगा, हम तो पहली बार जा रहे हैं, इंशाल्लाह मजा आएगा। ओके सो गाइस यहाँ पे चालू हो गई है बरसात, इसलिए हम नीचे छपरे के नीचे आकर रुके हैं। पीछे पता नहीं कौन सा गांव भी है, और मजे वाली बात यह है ऊपर आसमान इतना भरा हुआ नहीं है बादलों से, ये देखो वो भी भरा हुआ है, हमने अंदर से देखा खाली लग रहा था। तो यहाँ पे हम रुके हैं, जैसे ही बरसात खत्म होगी तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। ये हमारा ड्राइवर साहब जिसने गाड़ी चलाई बरसात में, मजा आया यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए? क्या मजा, पूरी फट रही है मजा। तुमसे ना हो पाएगा, बरसात भी काफी तेज है। सो गाइस ये फिर से हम रुके हैं आपको फिर से व्यू चेक कराने के लिए, ये व्यू चेक करो आप, माशाल्लाह जबरदस्त। सो गाइस फाइनली हम जिस जगह में आना था उस डैम में पहुंच चुके हैं। ये सामने डैम,
माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत सी राइड है, मगर यहाँ पे अभी हो रही है बरसात। ठीक है, तो अभी देखते हैं बरसात कम हो तो इंशाल्लाह ये राइड वगैरह भी लेंगे हम बहुत सी, एंजॉय भी करेंगे हम, क्योंकि पहाड़ों के बीच में डैम बना हुआ है। अभी तो पानी इतना नहीं है मगर माशाल्लाह फिर भी अच्छा है डैम। तो कैसे हम ऊपर से नीचे आए, ये सामने हो रही है पैरासेलिंग। ठीक है, मगर यार मौसम खराब है, बरसात हो रही है, तो हमें थोड़ा रिस्क लग रहा है इसकी, शायद ये हम ना करें, मगर बोटिंग तो इंशाल्लाह करेंगे। तो गाइस जो पीछे आप व्यू देख रहे हो, ये व्यू हो साहब, और ये हो इधर पहाड़ों का व्यू, और यहाँ पे हो पकौड़े, तो मजा ही अपना है ना बॉस। ओके, सो गाइस अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए पहाड़ों के बीच में, यहाँ से और भी नजारा जो है ना खूबसूरत नजर आ रहा है। आप चेक करो, पीछे भी पहाड़ है, आगे भी पहाड़ है, जो तरफ यहाँ पे पहाड़ और बीच में बना हुआ है ये डैम, जो अभी हम निकालेंगे फोटो वगैरह निकालेंगे। और नीचे हमारा कौन सा मसला हुआ शमशेर? एक पागल बंदा आ गया था, मोबाइल चेक करा। असल में मसला ये कि यहाँ पे स्कैम भी होते हैं, कोई फैमिली उनके साथ मिली हुई होती है, फिर वो कहते हैं आपकी मोबाइल में हमारी वीडियो आई है, फिर गलती से आ गई होगी ना, फिर वो मोबाइल छीन के आपसे पैसे लेते हैं। ये उनका धंधा है यहाँ पे लोगों का, हमें तो पता है क्योंकि हमारे साथ लोकल भी हैं यहाँ के, तो मसला कुछ नहीं हमारे साथ, वरना कोई और होता ना उनके साथ अच्छा सा मसला होता है यहाँ पे, फिर उनसे पैसे वगैरह लेते, वहाँ पे नीचे हमारे साथ मसला हुआ, फिर छोड़ देते। So guys, ये यहाँ का है दूसरा पॉइंट, जो अब हम यहाँ पे आके लग रहा है कि भाई किसी जगह पे आए, वो इतनी खास नहीं थी। जो ये व्यू है ना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये व्यू बिल्कुल जबरदस्त है, आप पीछे भी देख सकते हो बिल्कुल ग्रीनरी है यहाँ पे। अभी हम नीचे जा रहे हैं इनसे बातचीत करने, बिजली काटना बुलाता है। हम यहाँ पे आए शमशेर, इनको मिन्नत कर रहे हैं कि पैसे कम कर लो भाई, कम नहीं कर भाई, कर लो ना, करेगा भाई अपना भाई, हाँ, कर रहे हो ना, जितने हम मिले ज्यादा नहीं, ज्यादा आपके पास सिंध से लोग आएंगे, सारे हैदराबाद से आएंगे आपके पास ही आएंगे ना, सब इधर ही आते हैं ना, किधर जाते हैं, किसी साइड वालों के पास जाएंगे ना, एक ही है सर, भी कर लो बस, आप हमारे बड़े भाई, 1-2-3-3-3-20,000 दे रहे हैं, क्या चाहिए आपको, और मैं जवाब देता हूं, मालिक तो नहीं है, कौन है मालिक, मालिक इधर है नहीं है, मालिक बैठे। सो गाइस फाइनली हमारी इनसे बात हो गई है, ठीक है, हम अभी यही राइड लेने वाले हैं। अब हम अपने बंदे को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने एक नंबर दिया भाई यहाँ जाके से कॉन्टेक्ट करो, अभी हम शमशेर शायद उससे मिल गए, अब इनसे पूछेंगे हमारी बारी कब आएगी। भाई लोग अभी जा रहा है, सोनू जा रहा है ऊपर, वो भी ऊपर बनाएगा व्लॉग, आप देख लेना आगे जाके। सो गाइस फाइनली हम इसमें बैठ चुके हैं, भाई डर तो बहुत लग रहा है क्योंकि इतना ऊपर है और सेफ्टी इतनी कोई खास नहीं है, ठीक है, डर बहुत लग रहा है। ये रही मेरी सामने बोट, अल्लाह खैर करेगा, हमारे इसमें ये कतरा है, पानी के नीचे भी गिर सकते हैं, मोबाइल भी जा सकती है, अल्लाह खैर करेगा भाई। टेंशन इतनी हो रही है, इसे नहीं है सेफ नहीं है, बहुत सी टेंशन हो रही है, इंशाल्लाह खैर से मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे, टेंशन बहुत हो रही है, अल्लाह खैर करेगा ज्यादा। सो गाइस आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बच के आ गया है, आप अगर यहाँ पर आए तो मोबाइल ऊपर नहीं लेके जानी आपको, क्योंकि ये शमशेर गया है हमारा साथी, मोबाइल आपको नहीं लेकर जानी ऊपर, क्योंकि मोबाइल अगर आप ऊपर लेकर गए तो आप डूब भी सकते हो। कैसा था भाई ऊपर? भाई इधर इधर जा रहे हैं ना, ऐसे गुनाह याद आ रहे हैं, दिल अभी तक धड़क धड़क हो रहा है भाई मेरा, देखो तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है ना, मतलब ऊपर डेंजर से पूरा एलर्ट। तो गाइस इधर डैम थी ना, वहाँ से हम आए, हमारा मूड हुआ था मछली का है, मगर टाइम बहुत हो गया है, तो हमने सोचा कि यहाँ से लेते हैं, घर जाके पकवा कर खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लेते तो टाइम बहुत हो जाता। ये रही मछली, एक ये लेंगे, एक ये दूसरी। यहाँ से अब करा सकते थे फ्राई, मगर टाइम बहुत सा हो गया है, और घर पहुँचते पहुँचते और लेट हो जाएगी, रात हो जाएगी, इसलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से घर का रास्ता 2 घंटे दूर है। ओके, तो गाइस जो हमने मछली ली थी वो रेडी हो चुकी है, और हमारा दोस्त अभी से ही शुरू हो चुका है, व्लॉग भी नहीं बनाया मैंने, कहा भाई व्लॉग करो, सब्र करो, मगर इसको भूख बहुत लग रही थी, खाने में सही बनी है, और अभी कह रहा हूँ मैं इस व्लॉग का एंड, उम्मीद आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग, अच्छे व्लॉग में, ओके, टेक केयर।